गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर चैप्टर 3, यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट यू ऑल हैव टू राइट रीड 2 times ऑन द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर इन डिफरेंट प्लेसेस। इस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कंप्यूटर का यूजेस। बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है ना कंप्यूटर, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहाँ पे कैसे कंप्यूटर का यूज़ होता है। सो नाउ वी स्टार्ट रीडिंग आर चैप्टर, हाउ एंड वेयर अ कंप्यूटर इज़ यूज। कैसे और कहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर इज़ यूज इन मैनी प्लेसेस। सम ऑफ द कॉमन प्लेसेस वेयर अ कंप्यूटर इज़ यूज आर एज फॉलोज। मीन्स कंप्यूटर का यूज़ बेटा बहुत जगह पे होता है, लेकिन जो कॉमन प्लेसेज है मीन्स जहाँ मोस्टली यूज़ होता है वहाँ पे, वो इस सब चैप्टर में हम अभी रीड करेंगे। एट फर्स्ट क्या आपका, एट होम। सबसे पहले हम कहाँ यूज़ लेते हैं कंप्यूटर का, एट होम मीन्स घर पे। वी यूज़ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट होम। हम कंप्यूटर का यूज़ बहुत सारे वर्क करने के लिए यूज़ लेते हैं घर पे। सम ऑफ विच आर गिवन बिलो। कुछ आपको यहाँ दे रखे हैं, सेंड एंड गेट ईमेल्स, ईमेल भेजने के लिए और आने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं, कंप्यूटर का। लुक फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम कहाँ पे देखते हैं, सर्च करते हैं उसको, कंप्यूटर पे। बुक रेल फ्लाइट एंड फिल्म टिकट्स, हम कंप्यूटर से रेल फ्लाइट एंड फिल्म के टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ लेते हैं। लिसन टू म्यूज़िक, गाने सुनने के लिए, एंड वॉच फिल्म और मूवीज़ देखने के लिए। ये सारे यूजेस क्या है बेटा, कहाँ यूज़ होता है ये सारे, घर पर। हम कंप्यूटर का यूज़ इन सब वेज में घर पे लेते हैं। सो आर नेक्स्ट यूज़ कौन सा है, इन स्कूल्स। स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। अभी स्टूडेंट्स को स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करते हैं, तो वो हम कहाँ सिखाते हैं उनको, कंप्यूटर लैब में। आप सभी के भी स्कूल में कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर लैब है, तो वहाँ आप सीखते हो ना कंप्यूटर का यूज़ लेना। अ टीचर यूजेज इट टू मेक टेस्ट पेपर, और उसका टीचर कहाँ यूज़ लेती है कंप्यूटर का, टेस्ट पेपर बनाने के लिए, वर्कशीट बनाने के लिए, एंड रिजल्ट बनाने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फीस पेड बाय स्टूडेंट। और जो आप फीस पे करते हो वो सारा डेटा भी कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर के अंदर। एट ऑफिस, अभी थर्ड यूज़ हम कहाँ ले रहे हैं कंप्यूटर का, ऑफिसेज में। अ कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल वर्किंग देयर। क्या करता है कंप्यूटर, रिकॉर्ड करता है कि वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उनका रिकॉर्ड कंप्यूटर बनाता है। इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, लेटर्स को टाइप करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सेंडिंग एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए और लाने के लिए भी हम किसका यूज़ लेते हैं, कंप्यूटर का, वहाँ पर ऑफिस के अंदर। नेक्स्ट आपका, इन शॉप्स। अ शॉपकीपर यूजेज अ कंप्यूटर टू मेक बिल्स। इस शॉपकीपर कहाँ यूज़ लेता है कंप्यूटर का, शॉप के अंदर। किस लिए यूज़ होता है, बिल्स बनाने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स कैप्ट इन द शॉप। और कहाँ यूज़ होता है शॉपकीपर के लिए, कि वो रिकॉर्ड बनाए कि उसकी शॉप पे क्या क्या थिंग्स है, तो उसका भी वो रिकॉर्ड कहाँ बनाता है, कंप्यूटर के अंदर। इन बैंक्स, अ कंप्यूटर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड द चेंजेस मेड इन देम। बैंक्स में क्या करता है कंप्यूटर, सारा रिकॉर्ड बनाता है बैंक अकाउंट्स का, और जो भी चेंजेस उसके अंदर होते हैं वो सारा रिकॉर्ड कहाँ बनता है, कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है आपका, एट पुलिस स्टेशन। अ कंप्यूटर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स एंड हेल्प्स इन ट्रैकिंग देम। अभी पुलिस स्टेशन में किस लिए यूज़ होता है बेटा, रिकॉर्ड बनाने के लिए क्रिमिनल्स का, मींस जो भी होते हैं ना चोर वगैरह, उन सब का रिकॉर्ड बनाता है। और किस लिए हेल्प करता है उनको, ट्रैकिंग देम मींस उनको पकड़ने के अंदर। इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स देयर फिंगरप्रिंट्स, और उन सभी थीव्स वगैरह के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो सारे भी रिकॉर्ड कहाँ हो जाता है, कंप्यूटर के अंदर हो जाता है। एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, अभी कंप्यूटर का यूज़ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स में भी होता है, और कहाँ होता है वो देखो। अ कंप्यूटर यूज टू रिजर्व सीट्स एंड बुक टिकट्स। कंप्यूटर का यूज़ किस लिए देते हैं, सीट्स को रिजर्व करने के लिए, एंड बुक करने के लिए टिकट्स को। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। ये कैसी इन्फॉर्मेशन देता है बेटा, जो भी ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स आई हैं या जो भी जा रही है, मीन्स अराइवल मीन्स आना, डिपार्चर मीन्स जाना, जो भी आ रही है जो भी जा रही है एरोप्लेन्स और ट्रेन्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, कंप्यूटर रखता है। नेक्स्ट है आपका, इन हॉस्पिटल्स। अ कंप्यूटर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स।
हॉस्पिटल में कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, वो रिकॉर्ड रखता है वहाँ के पेशेंट्स का और डॉक्टर्स का। इट है आल्सो हेल्प्स इन ऑल काइंड ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड इन मेकिंग हॉस्पिटल बिल्स। वो जो वो वहाँ पे जो भी मेडिकल टेस्ट होते हैं और जो भी बिल बनते हैं वो सारा कहाँ बनता है, कंप्यूटर के अंदर, इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। और कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर का, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी होता है। अ कंप्यूटर हेल्प्स इन मेकिंग बिल्स, इट आल्सो कीप्स द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स। क्या करता है कंप्यूटर, बिल्स बनाता है और क्या किसकी डिटेल्स रखता है, कस्टमर्स की। कस्टमर्स मीन्स होता है ग्राहक, यहाँ वहाँ पे मीन्स जो भी लोग आ रहे हैं, तो उन सबका डिटेल कौन रखता है, कहाँ पे सेव होती है, कंप्यूटर के अंदर। एट पेट्रोल पंप्स, और कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर का, पेट्रोल पंप्स में भी हम कंप्यूटर यूज़ लेते हैं। अ कंप्यूटर हेल्प्स इन मेकिंग बिल्स, वहाँ पे भी कंप्यूटर क्या बनाता है, बिल बनाने में हमारी हेल्प करता है। पेट्रोल पंप्स टू आर फिटेड विद कंप्यूटर फॉर प्रॉपर फिलिंग ऑफ फ्यूल। और जो वहाँ पे प्रॉपर मीन्स इन लोगों को इतना फ्यूल डालना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है। वो उनको बताता है कि यहाँ इतने रुपीज़ का बिल मीन्स इतने रुपीज़ का बिल है बनेगा और इतना आपको पेट्रोल वहाँ फिल करना है उस टैंक के अंदर। इन डिज़ाइनिंग, अभी और कहाँ यूज़ हो रहा है, डिज़ाइनिंग करने के लिए भी कहाँ यूज़ होता है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। अ कंप्यूटर इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग क्लोज, आप कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, बहुत अलग तरीके के डिज़ाइन क्लोज को डिज़ाइन कर सकते हो उसके अंदर, हाउसेस, कार, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स एंड अदर मशीन्स। आपका कंप्यूटर हेल्प करेगा आपको डिज़ाइन बनाने के लिए, किसकी, क्लोज की, हाउसेस की, कार्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स एंड अदर मशीन्स। ये सारी मशीन्स की अगर आपको डिज़ाइन बनानी हो तो कंप्यूटर क्या करेगा, इन सब में आपकी हेल्प करेगा। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, मैं भूल गई थी, अभी वापस समझाती हूँ आपको। एंड ATM इज़ एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अभी ATM आप सभी ने देखा होगा, वहाँ से हम पैसे निकलवाते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फ्रॉम विच वी कैन विदड्रॉल मनी एनी टाइम। और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कभी भी पैसे ले सकते हैं। अगर आपको जैसे कभी भी नीड हो सकती है पैसों की, तो ये सारे ATMs हर जगह लगे हुए होते हैं, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पैसों को ले सकते हैं। एंड ATM आल्सो हैज़ अ कंप्यूटर फिटेड इनसाइड इट। और वहाँ ATM में भी क्या होता है, कंप्यूटर अंदर फिट होता है। सो नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट हियर, ये सारा आपका ये चैप्टर यहाँ कम्प्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बेटा। यू ऑल हैव टू रीड दिस चैप्टर ट्वाइस एट योर होम। ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।